नमस्कार. साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित माधवराव सप्रे रचना संचयन के लोकार्पण कार्यक्रम में आप सभी का अकादमी की ओर से बहुत ही स्वागत है. आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी हमारे बीच हैं. हम अकादमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करते हैं. विशिष्ट अतिथि के रूप में आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी हमारे बीच. हम अकादमी की ओर से आपका स्वागत करते हैं. इस पुस्तक के संपादक डॉक्टर विजय श्रीधर जी हमारे बीच हैं. मैं अकादमी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ. अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ तिवारी जी की बड़ी इच्छा थी कि इस पुस्तक के लोकार्पण में मैं अवश्य रहूँगा और उन्होंने इस कार्यक्रम में आकर के इसको गरिमा प्रदान की है. हम अकादमी की ओर से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करते हैं. हमारे यहाँ एक नई परंपरा कुछ दिनों पहले हमने शुरू की. पहले हम फूल देकर स्वागत किया करते थे, लेकिन ये पुस्तकों और शब्दों का संसार है और हम उसकी ही सेवा करते हैं. हमने पिछले कुछ दिनों से पुस्तक भेंट करके स्वागत करने की परंपरा शुरू की है. हम अपने अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासराव जी से निवेदन करते हैं कि आज के मुख्य अतिथि डॉक्टर अच्युतानंद मिश्र जी, सच्चिदानंद जोशी जी, विजय श्रीधर जी और आदरणीय विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति एवं वर्तमान में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी, आज जिस पुस्तक माधवराव सप्रे रचना संचयन का लोकार्पण होने वाला है उसका संपादक तथा माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय एवं शोध संस्थान के संस्थापक संयोजक आदरणीय विजय दत्त श्रीधर जी, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, आदरणीय कमल किशोर गोयंका जी, उपस्थित सभी विद्वजनों का मैं इस पुस्तक लोकार्पण समारोह में हार्दिक स्वागत करता हूँ. हिंदी का जो वर्तमान स्वरूप है उसके निर्माण में पत्रकारिता और साहित्य के बेहद घनिष्ठ संबंध था. उस समय के अधिकतर साहित्यकार पत्रकारिता और संपादन से जुड़े थे तो कई संपादक श्रेष्ठतम साहित्य की रचना कर रहे थे. माधवराव सप्रे जी का भी इसी तरह एक महत्वपूर्ण स्थान है. माधवराव सप्रे भारतीय नवजागरण के पुरोधा संपादक साहित्यकार रहे हैं. प्रखर संपादक के रूप में उनकी भूमिका लोक प्रहरी की रही है और सुधी साहित्यकार के रूप में लोक शिक्षक की, कोशकार और अनुवादक के रूप में उन्होंने हिंदी भाषा का समृद्ध किया है. वे उच्च कोटि के कवि, कुशल निबंधकार, प्रखर चिंतक, अप्रतिम वक्ता और दृढ़ स्वतंत्रता सेनानी के रूप में प्रतिष्ठित हुए. हिंदी साहित्य की श्रीवृद्धि के लिए अन्य भाषाओं के उत्तम ग्रंथों का अनुवाद आवश्यक होता है. माधवराव सप्रे ने इस दिशा में महत्वपूर्ण काम किया है. ज्ञान विज्ञान की उत्तम पुस्तकें उपलब्ध हो यह आवश्यकता सप्रे जी ने बहुत पहले समझ ली थी. सप्रे जी की एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना जाता रहा है, लेकिन यह अवधारणा हिंदी जगत में बाद में बदल गई. राष्ट्र, राष्ट्रभाषा, स्वदेशी, मूल्यपरक शिक्षा और सामाजिक मूल्यों के क्षेत्र में आज हम जिन समस्याओं और कठिनाइयों को दो चार हो रहे हैं उनसे निपटने का मार्ग सप्रे जी के लेखन से खुलता है. सप्रे जी ने भारत की जनता के भीतर स्वदेश प्रेम और अपनी राष्ट्रीय की पहचान के लिए जागरूकता जगाई थी. जब तक हम अपनी पहचान
अपने राष्ट्र की संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और उसके गौरवशाली इतिहास के बारे में सजग नहीं होंगे, हम भविष्य का ही भविष्य का सही निर्माण नहीं कर सकेंगे। माधवराव सप्रे जी ने भारतीय जनमानस में यही संस्कार स्थापित करने का सफल प्रयास किया। अपने बहुआयामी व्यक्तित्व और लेखन में सप्रे जी ने हिंदी भाषा और साहित्य की श्रीवृद्धि की है। उनके लेखन से चुनी हुई सामग्री श्री विजय दत्त श्रीधर जी ने संपादित करके अकादमी के गौरव ग्रंथों में एक और महत्वपूर्ण कृति सम्मिलित कर दी है। हम अकादमी की ओर से आपके आभारी हैं। आदरणीय अच्युतानंद मिश्रा जी तथा सच्चिदानंद जोशी जी ने हमारे अनुरोध स्वीकार किया और यहाँ पधारे, उसके लिए अकादमी की ओर से हम आपके आभारी हैं। आपका अभिनंदन और स्वागत। आप सभी सप्रे जी के अवदान के बारे में इन अधिकारी विद्वानों से सुनेंगे ही। मैं अकादमी के अध्यक्ष जी का भी हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का पुनः एक बार स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राव सर। मित्रों, जैसा कि सचिव महोदय ने बताया कि माधवराव सप्रे जी का इतना बहुआयामी व्यक्तित्व था, बहुत अच्छे कवि, कहानीकार, निबंधकार, कोशकार, संपादक, और पहली बार जब हिंदी कोश तैयार हो रहा था तो उन्होंने अर्थशास्त्र पर जो खंड था उसका संपादन किया। सन 1900 का जो दौर है वो खासतौर से भारतीय साहित्य, भारतीय पत्रकारिता में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही वो दौर है जब महावीर प्रसाद द्विवेदी एक और साहित्य को जब 1903 में उन्होंने सरस्वती पत्रिका का कार्यभार, संपादन का कार्यभार संभाला, तो उन्होंने जिस तरह से साहित्यकारों की भाषा, उनके साहित्य को सुधारने और परिष्कृत करने का काम किया, ठीक वही काम उसी तरह का एक दूसरा जो पहलू था जिसमें ये कि साहित्य में कहानी, उपन्यास, इन सब की जो एक हम औचार एक वो जो अवधारणा बना रखी है, उसके अलावा भी अनेक अनुशासनों में लेखन को, इसकी ओर सबसे पहले माधवराव सप्रे जी ने ध्यान दिया और उन्होंने हिंदी ग्रंथमाला की शुरुआत की थी। आप सभी लोग परिचित होंगे उसमें महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का उन्होंने एक इस अपने ग्रंथमाला में प्रकाशन किया था। कई महत्वपूर्ण अखबारों का जैसे छत्तीसगढ़ मित्र, हिंदी केसरी जैसे बहुत महत्वपूर्ण अखबार का आपने संपादन करके भारतीय पत्रकारिता की एक उद्देश्य परकता को उसी समय निर्धारित कर दिया था। ऐसे महान साहित्यकार, ऐसे महान पत्रकार को हम अकादमी की ओर से नमन करते हैं और उनकी रचनाओं का ये जो प्रतिनिधि संचयन डॉक्टर विजय दत्त श्रीधर जी ने संपादित किया है, निश्चित तौर पर अकादमी के वो गौरव ग्रंथों में शामिल हुआ है। हम अकादमी की ओर से आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मित्रों, अभी ये घड़ी है उस पुस्तक के लोकार्पण की। हम अपने सभी अतिथियों से निवेदन करते हैं कि कृपया इन पुस्तकों का लोकार्पण करके सच्चिदानंद जोशी जी हिंदी और मराठी के चर्चित साहित्यकार, नाटककार और निर्देशक हैं।
आप सांस्कृतिक गतिविधियों में खासकर रंगमंच नाट्य लेखन और निर्देशन में सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं। आपको हिंदी और मराठी नाटकों के लिए राजकीय और राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। कहानी व्यंग लेख आदि देश की महत्वपूर्ण पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए हैं। आप संचार माध्यम से जुड़े शैक्षिक विषयों पर शोध लेख लिखते रहे हैं। मार्च 2005 से दो सत्रों तक 10 वर्षों के लिए आप ठाकरे यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन रायपुर में कुलपति रहे। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल में आप 10 वर्षों तक संस्थापक कुल सचिव रहे। उसके बाद आपने कुछ समय के लिए डीन के रूप में भी अपना योगदान किया। आपने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, नेहरू युवा केंद्र संगठन, एमपी विकास प्राधिकरण संघ जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में विभिन्न उत्तरदायी पदों पर अपना योगदान किया है। देश के सबसे युवा कुलपतियों में से एक डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज के मैनेजिंग कमेटी के अध्यक्ष सहित कई महत्वपूर्ण संस्थाओं के सदस्य और विभिन्न पदों पर रहे हैं। अभी आप मध्य प्रदेश संस्कृत परिषद के सदस्य और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र के सदस्य सचिव हैं। हम सबसे पहले आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी से निवेदन करते हैं कि और मित्रों ये आपको सूचना दूं कि माधवराव सप्रे पर पहला शोध पहली पीएचडी आपने की थी। आदरणीय सच्चिदानंद जोशी जी से इस सभा के सम्मानीय अध्यक्ष श्रद्धेय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, मुख्य अतिथि श्रद्धेय अच्युतानंद मिश्र जी, श्रद्धेय विजय श्रीधर जी, श्रद्धेय कमल किशोर गोयंका जी, श्रद्धेय श्रीनिवास राव जी और इस सभा में उपस्थित सभी सम्मानित देवी और सचिव, थोड़ा सा संशोधन है कि सफेद जी पर पहली पीएचडी नहीं की है, पीएचडी जरूर की है पर पहली नहीं की है। और एक विद्यार्थी के नाते से मैं यहाँ आपके सामने उपस्थित हूँ क्योंकि मैं जब पीएचडी की तो मैं माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय का एक विद्यार्थी भी हुआ करता था। एक विद्यार्थी के नाते मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। और चूँकि सप्रे जी का विषय मेरे लिए बहुत प्रिय विषय रहा है और जैसा कि प्रायः हर एक शोध छात्र के साथ होता है कि जब उसका शोध कार्य समाप्त होने लगता है तब उसे उस दरअसल उस शोध के विषय में ज्यादा जानकारी प्राप्त होने लगती है। मुझे बार बार लगता रहा कि अब मुझे और काम करना चाहिए। मेरा शोध ग्रंथ वैसे ही 450 पन्ने पार कर चुका था तो मुझे लगा कि अब तो इसे कहीं ना कहीं रोक देना पड़ेगा। पर वस्तुतः बहुत सारी सामग्री मुझे उसके बाद में मालूम पड़ी, बहुत सारी सामग्री जो बाद में मालूम पड़ी और समझ में आया कि ऐसे बहुत सारे पक्ष सप्रे जी के थे जिन पर लगातार काम होना चाहिए था, बातचीत होनी चाहिए थी, वो हो ही नहीं पाई। उनका साहित्यिक पक्ष, चूंकि हमें मालूम है कि वो राष्ट्रभाषा के एक अनन्य सेवक थे इसलिए उनका साहित्यिक पक्ष बार बार लोगों के सामने आया। और जब उन्होंने छत्तीसगढ़ मित्र में जो पत्रकारिता शुरू की वो मूल तरह की साहित्यिक पत्रकारिता का ही अंश था जहाँ पर ज़्यादातर साहित्यिक लेख उनके उसमें प्रकाशित थे। और उसके बाद पत्रकारिता समालोचना ये दो क्षेत्र थे जिस पर सप्रे जी लगातार काम कर रहे थे। लेकिन सप्रे जी ने सामाजिक सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विषय पर भी लगातार बहुत सारा लिखा, बहुत ज्यादा लिखा, अनुवाद साहित्य भी बहुत ज्यादा था, उस पर कहीं चर्चा नहीं हुई। तो मैं थोड़ी सी चर्चा इस विषय पर सिर्फ कर देना चाहता हूँ क्योंकि बहुत मेरे सामने बहुत ही बुद्धिजीवी समाज बैठा है। मुझे लगता है कि कुछ और ऐसे विषय हैं जो संभवतः सप्रे जी के संबंध में आ जाने चाहिए थे तो मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूँ। सप्रे जी का साहित्यिक चिंतन एवं पत्रकारिता का चिंतन उन्हें एक महान राष्ट्रवादी विचारक एवं कुशल नेतृत्व का निर्माता सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है। लेकिन सप्रे जी का दायरा इसमें ही सीमित नहीं था। उन्होंने अपने जीवन में विभिन्न सामाजिक सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक विषयों पर भी लिखा है जिसका बहुत व्यापक स्वागत हुआ। सप्रे जी का सामाजिक एवं सांस्कृतिक चिंतन पृथक से उनके इन विषयों पर प्राप्त अधिकार को प्रदर्शित करता है, साथ ही ये भी दर्शाता है कि उनका सोच समग्रता में राष्ट्रवादी समाज का निर्माण था जिसमें साहित्य, समाज और संस्कृति तीनों का अद्भुत समन्वय है। सप्रे जी ने जिस तरह अपने जीवन में राष्ट्र के लिए व्यक्तियों का निर्माण किया उसी तरह उन्होंने विभिन्न सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थाओं का निर्माण भी समाज हित में किया। ये सप्रे जी का समाज के लिए एक महान अवतार था।
जब हम राष्ट्र के निर्माण की बात कहते हैं तो मुझे कुछ नाम प्रमुखता से जो याद आते हैं उसमें सेठ गोविंदास जी का नाम आता है, माखनलाल चतुर्वेदी जी का नाम याद आता है, या पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र जी का नाम याद आता है। और ऐसे व्यक्तियों का निर्माण सप्रे जी ने किया। इसके अलावा सप्रे जी ने अपने आध्यात्मिक चिंतन से भावधारा को एक नई दिशा दी। ये सप्रे जी के ही अथक परिश्रम का परिणाम था कि हमें दासबोध, गीता, रहस्य जैसे महान मराठी ग्रंथों के हिंदी अनुवाद पढ़ने को मिल सके। ऐसे महान ग्रंथों को सरल हिंदी में अनुवादित कर सप्रे जी ऐसा महान कार्य कर गए जिसका ऋण चुकाना किसी भी समाज के लिए कठिन है। इसे हम ऐसे एक सार्थक परोपकार की श्रेणी में रख सकते हैं जिसमें व्यक्ति स्वयं को बिल्कुल परे रखकर सिर्फ देश और समाज के हित में ही सारे कार्य संपादित करता है। क्योंकि ये बात सहज ही समझी जा सकती है कि सप्रे जी ने जिस समय में इन ग्रंथों का अनुवाद किया उसी समय में वे अपनी किसी मौलिक कृति की रचना कर उससे कहीं अधिक यश और ऐश्वर्य अपने हिस्से में डाल सकते थे। लेकिन चूंकि सप्रे जी ने कभी भी स्वयं के हित, स्वयं के यश अथवा स्वयं के ऐश्वर्य का विचार नहीं किया, इसलिए वे ऐसे ग्रंथों की रचना कर पाए। सप्रे जी के सामाजिक, सांस्कृतिक एवं इतिहास चिंतन ने समाज और देश का मार्गदर्शन किया और ऐसा संबल प्रदान किया जिसकी तात्कालीन भारतीय समाज को आवश्यकता थी। इसका अर्थ ये कतई नहीं है कि सप्रे जी के ऐसे चिंतन की आज प्रासंगिकता नहीं है, बल्कि सप्रे जी द्वारा किया गया चिंतन तो कालजयी है, इसकी प्रासंगिकता हर युग में और हर समाज में बराबर बनी रहेगी। अभी पिछले पुस्तक मेले में ही मैंने सप्रे जी के गीता रहस्य का अनुवाद किसी एक प्राइवेट प्रकाशक द्वारा किया हुआ बहुत धड़ल्ले से लिखता हुआ फिर देखा था। और दासबोध का अनुवाद, दासबोध का अनुवाद लगातार लोग पढ़ रहे हैं और अभी और मांग कर रहे हैं कि हमें दासबोध और पढ़ना है। तो इसलिए ये बात, सप्रे जी ने जब जीवन के तीसरे पर्व सार्वजनिक जीवन में प्रवेश किया तो उन्होंने स्वयं को सक्रिय राजनीति से दूर रखा और प्रायः पार्श्व में रहकर ही दिशा निर्देश देने का कार्य भी करते रहे। इस दौरान उन्होंने ऐसी कई महत्वपूर्ण रचनाओं की निर्मिति की जो समाज के लिए मार्गदर्शी सिद्ध हुई। इसके साथ ही उन्होंने समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण किया जिन्होंने समाज का नेतृत्व किया। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सप्रे जी के कुल 126 निबंधों के प्रकाशन का संदर्भ मिलता है। इन निबंधों के विषयों का अध्ययन करने पर हमें ज्ञात होता है कि इसमें से कई निबंध सप्रे जी ने विशुद्ध सामाजिक और सांस्कृतिक विषयों पर लिखे, जैसे हड़ताल जो सरस्वती के 1907 के अंक में प्रकाशित हुआ, जातीय एकता और उपसंहार जो 1913 में, सहकारिता और शिक्षकों का कर्तव्य अभ्युदय 1915, बालकों की दिनचर्या और उसका कर्तव्य अभ्युदय 1915, सच्ची और झूठी सफलता, हमारे बालकों की मित्र, हमारे सामाजिक राज के कारणों का विचार, हमारे सामाजिक राज के कारणों का विचार ये श्रृंखलाबद्ध निबंध थे जिसमें मस्तिष्क का अमर्यादित विचार, शहरों में रहना, अंग्रेजी शिक्षा और बुद्धि स्वातंत्र्य, सामाजिक रूढ़ी से बचने के उपाय जैसे आलेख उसमें संकलित किए। सामाजिक निबंधों के अलावा सप्रे जी ने शिक्षा पर 20 से अधिक निबंध लिखे। जब हम शिक्षा के सोच की बात कहते हैं और कहते हैं किन विद्वानों ने हमारे देश में शिक्षा पर मौलिक चिंतन किया है तो हम अक्सर सप्रे जी का नाम उसमें भूल जाते हैं, पर सप्रे जी ने जितने शिक्षा पर मौलिक निबंध लिखे संभवतः उस काल में किसी और विद्वान ने नहीं लिखे। उन्होंने स्कूली शिक्षा, महाविद्यालयीन शिक्षा, विश्वविद्यालयीन शिक्षा, स्त्री शिक्षा, शिक्षकों के कर्तव्य, विद्यार्थियों की दुर्बलता जैसे विषयों के समावेश करते हुए निबंध लिखे। अर्थशास्त्र पर भी सप्रे जी ने लगभग 10 निबंध लिखे। इसके साथ ही विभिन्न राजनीतिक विषयों पर लगभग 40 निबंध लिखे। प्रकारांतर से ये सभी निबंध सप्रे जी के उस विराट सामाजिक चिंतन को ही दर्शाते हैं, क्योंकि एक प्रगल्भ सामाजिक लेखक वही होता है जो विषय और आकार की परिधि में अपने को बांधे बगैर स्वच्छंद चिंतन करता है। सप्रे जी का विभिन्न विषयों पर लेखन उनकी इसी प्रगल्भता को दर्शाता है। सप्रे जी का विचार एकांगी भी नहीं था, वे सदा सभी की दृष्टि से विचार करते थे, इसलिए वे सभी के लिए ग्राह्य और अनुकरणीय होते थे। उस समय की लगभग सभी प्रमुख पत्र पत्रिकाओं में सप्रे जी के लेखों का प्रकाशन यह दर्शाता है कि सप्रे जी की स्वीकार्यता सार्वत्रिक थी और उन्हें इस महानता के शिखर पर पहुंचाती है जहां पहुंच पाना कई विचारकों के लिए संभव नहीं हो पाता। सप्रे जी द्वारा लिखित पुस्तकों में उनके सामाजिक चिंतन की झलक मिलती है और इसके साथ ही अलग अलग विषयों पर केंद्रित जो विषय है उसमें सामाजिक भाव भी मिलता है। जैसे सप्रे जी द्वारा श्री हृदयनाथ बुजुर्ग की पुस्तक का अनुवाद भारतवर्ष में सरकारी नौकरियां किया गया था। ये ग्रंथ सन 1919 में देश विदेशी प्रेस पात्र द्वारा छापा गया था और भारत बंधु कार्यालय से हाथरस से प्रकाशित किया गया। 1908 प्रश्नों के इस ग्रंथ में 15 अध्याय हैं
जो भारत के साथ जापान अमेरिका और इंग्लैंड की नौकरियों का खाका खींचते हुए एक अद्वितीय सामाजिक चित्रण प्रस्तुत करते हैं। इसके प्रकाशक ने अपने निवेदन में लिखा, यह अनुवाद हिंदी के प्रसिद्ध विद्वान पंडित माधवराव सप्रे का किया हुआ है। सप्रे जी की इस कृपा के लिए मैं उनका विशेष अनुग्रहित हूँ। मुझे विश्वास है कि हिंदी प्रेमी सज्जन इस अनुवाद से सर्वथा संतुष्ट होंगे। ये ग्रंथ अंग्रेजों की साम्राज्यवादी हुकूमत के खिलाफ घृणा और विद्रोह की भावनाएं जगाने वाला था, इसलिए अंग्रेजी हुकूमत ने इसे जब्त करने के निर्देश दिए। यहाँ ये भी बताना अप्रासंगिक नहीं होगा कि संभवतः 124A के तहत राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार किए जाने वाले सप्रे जी भारत के पहले हिंदी पत्रकार थे, जो उन्हें स्वदेशी आंदोलन और बायकॉट इस विषय पर जो उन्होंने निबंध लिखा था, और कई लोगों का ये भ्रम है कि वो तिलक जी के निबंधों का सिर्फ अनुवाद था। अगर आप उसको पढ़ेंगे तो आपको महसूस होगा कि वो तिलक जी के ग्रंथों का निबंधों का सिर्फ अनुवाद नहीं था, उसमें बहुत सारी बातें सप्रे जी ने अपनी मौलिक भी की, और इसलिए उन्हें राजद्रोह के मुकदमे में गिरफ्तार भी किया गया। इसी प्रकार जिनका जिक्र अभी आपने किया, नागरी प्रचारिणी सभा में जब विज्ञान कोष बनवाने का कार्य प्रारंभ किया तो इस कोष के 5 विभाग एक एक संपादक को दिए गए। उसमें पंडित माधवराव सप्रे को अर्थशास्त्र, पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी को तत्वज्ञान, महामहोपाध्याय सुधाकर द्विवेदी जी को ज्योतिष और गणित, बाबू श्याम सुंदर दास जी को भूगोल और बाबू ठाकुर दास जी को रसायन शास्त्र और पदार्थ विज्ञान सौंपा गया। सप्रे जी ने उस कार्य करने में काफी मेहनत की थी और सप्रे जी को यह कार्य उनकी राष्ट्रभाषा के प्रति प्रेम और हिंदी की सेवा करने की निष्ठा देखकर ही दिया गया। ऐसे महान साहित्यकार एवं विचारकों के समूह में सप्रे जी का समावेश होना उनकी महानता और अद्वितीय चिंतन क्षमता को दिखाता है। बाद में जब इन संपादकों ने अपना कार्य पूरा कर लिया तब इस कोष की जांच के लिए एक जांच कमेटी गठित हुई। उस जांच कमेटी में भी सप्रे जी शामिल थे और पुनर्निरीक्षण के काम में देश के सुप्रसिद्ध सैद्धांतिकों और पंडितों का सहकार्य आवश्यक था। इसके लिए सप्रे जी बम्बई और पुणे गए और वहां सबसे चर्चा करने के बाद इस ग्रंथ को रिवाइज किया गया। अर्थशास्त्र पर सप्रे जी के अधिकार को देखते हुए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने सप्रे जी को कौटिल्य का अर्थशास्त्र का अनुवाद करने का कार्य भी दिलवाया, परंतु सप्रे जी ने यह कार्य पूर्ण किया ऐसा किसी अभिलेख में स्पष्ट नहीं होता है। माधवराव सप्रे जी ने इतिहास चिंतन के बारे में भी लिखा है और इतिहास चिंतन जो उनकी पुस्तक है उसमें कुल 14 निबंध संकलित है, जो भारत ही नहीं विश्व के अन्य प्रमुख देशों के इतिहास तथा उसमें से संबंधित प्रमुख घटनाओं के विषय में हमें जानकारी देते हैं। इस सारगर्भित चिंतन के माध्यम से सप्रे जी का एक ही अभीष्ट लक्ष्य था, भारतीयों में राष्ट्रीयता का अलग जगाना। सप्रे जी में राष्ट्रीयता कूट कूट कर भरी थी, यही कारण था कि वे अपने देश के गौरवशाली अतीत के विषय में हमेशा कहा करते थे। जिस समय यूरोप खंड अज्ञात अंधकार में डूबा हुआ था और इंग्लैंड देश के निवासी निरी जंगली अवस्था में थे, उस समय वह भारत भूमि बड़े बड़े महात्मा और ऋषि मुनियों के ज्ञान के प्रकाश से जगमगा रही थी। आध्यात्मिक ज्ञान, विज्ञान और साहित्य में इस देश की बराबरी कौन कर सकता है। सप्रे जी की इतिहास के बारे में दृष्टि एकदम अलग थी और उनका लक्ष्य एकदम स्पष्ट था। वे इतिहास को गलत सलत या बढ़ा चढ़ाकर बताने के पक्ष में नहीं थे, वे ऐसा इतिहास प्रस्तुत करने में विश्वास करते थे जो राष्ट्र के प्रति गौरव जगाता। वे ऐसे इतिहास के पक्षधर थे जो व्यक्तित्व निर्माण में सहायक, इसलिए उन्होंने विश्व के अन्य देशों के भी श्रेष्ठतम ऐतिहासिक उदाहरण जो राष्ट्राभिमान और राष्ट्रनिष्ठा जमाने का कार्य करते हों अपने निबंधों के माध्यम से प्रस्तुत किए। त्रिमूर्ति शर्मा के उपनाम से सप्रे जी ने सरस्वती जुलाई 1913 के अंक में इंग्लैंड की राज्य क्रांति पर लिखे लेख की प्रशंसा सभी ओर की। सप्रे जी ने इस निबंध के माध्यम से न्याय की प्रियता, स्वार्थ त्याग और वैचारिक दृढ़ता की सीख भारतवासियों को देने का प्रयास किया। सप्रे जी द्वारा इसी तरह ब्रह्मदेश की स्त्रियां, पूर्व और पश्चिमी सभ्यता में विभिन्नता, यूरोप के इतिहास से सीखने योग्य बातें, इंग्लैंड में राज्य क्रांति, फ्रांस की राज्य क्रांति, इटालियन देशभक्त मैजिनी, सोमनाथ पर मजमूर गजनवी की चढ़ाई, इस तरह के निबंध लिखे। सप्रे जी ने सदा यही प्रयास किया कि इन लेखों के माध्यम से विश्व के प्रमुख देशों की प्रेरक घटनाएं सामने आए और उस प्रसंग के अनुकूल भारतीय उससे प्रेरणा लें। सप्रे जी का चिंतन कितना कालजयी था इसका अंदाज उपरोक्त कथन से ही हो जाता है कि आज 100 वर्ष बाद भी हमारी शिक्षा व्यवस्था की बुनियादी बातों को कोई भी ठीक नहीं कर पाया जो सप्रे जी तब से लगातार कहते थे। उन्होंने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारतवर्ष का बाह्य भौतिक शरीर युद्ध में कई बार जीता जा चुका है, परंतु उसकी अंतरात्मा अभी तक अजेय रही
और जब तक अंतरात्मा में भ्रष्टता नहीं आई तब तक लगातार शताब्दियों तक की नागरिक पराजय अनुभव करने के बाद करने से किसी भी राष्ट्र का बाल बांका नहीं हो सकता। ये बात आज भी शाश्वत और सत्य है जो सप्रे जी ने आज से 100 वर्ष पूर्व कही थी। सप्रे जी की प्रेरणा यहीं तक सीमित नहीं रही, उन्होंने अपने समकालीन राष्ट्रवादी लेखकों को भी ऐसे विषयों पर लिखने के लिए प्रेरित किया जिसमें पंडित रविशंकर शुक्ल, बैरिस्टर छेदीलाल, श्री लक्ष्मीधर वाजपेयी जी के नाम प्रमुखता से लिए जा सकते हैं, जिन्होंने उसी दौरान विभिन्न ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर अपने लेख लिखकर राष्ट्रवादी चेतना का प्रसार किया है। भारतीयों में राष्ट्रीयता का भाव जगाने की दृष्टि से सप्रे जी का निबंध भारत की एक राष्ट्रीयता जो सरस्वती के मार्च 1918 के अंत में छपा है बहुत ही प्रेरक और प्रभावशाली था। उन्होंने उस लेख में उच्चतम विदेशी इतिहासकारों जो भारत को एक राज्य के रूप में स्वीकार करने में संकोच करते हैं तथा कई बार तो भारत को एक राष्ट्र ही मानने को तैयार नहीं होते हैं ललकारते हुए और लताड़ते हुए कई ऐतिहासिक साक्ष्यों के साथ इस बात को प्रमाणित किया है कि भारत एक गौरवशाली राष्ट्र है। इस लेख में सप्रे जी ने सांप्रदायिक एकता के जो सूत्र दिए हैं वे भी उस समय उनके द्वारा किए गए चिंतन की अपार गहराई को प्रदर्शित करते हैं। कोट्स, आक्षेप करने वाले फिर भी कह सकते हैं कि यद्यपि हिंदुओं की राष्ट्रीयता इस प्रकार सिद्ध हो गई है तथापि मुसलमान, फारसी, ईसाई आदि भिन्न भिन्न जातियों तथा उनके विभिन्न धर्मों के रहते हुए भारत की एक राष्ट्रीयता कैसे मानी जा सकती है, इसका समाधान करने में अधिक विस्तार न करके केवल यह कह देना काफी होगा कि विभिन्न धर्मों, मतों और जाति भेद से किसी राष्ट्र की एकता में कोई बाधा नहीं आती। संसार के अन्य देशों के इतिहास से हुए इस इतिहास से हमें इस विषय का निर्णय करने में सहायता मिल सकती है। अनकोट, इसी लेख का समापन करते हुए वे पूरे राष्ट्र को आह्वान करते हैं तथा जागरण का अलग जगाते हुए एकता का भाव पैदा करते हैं। कोट, अतः एक ही साम्राज्य के व्यापक तथा अटल छत्र के नीचे रहते हुए यदि सब हिंदू, मुसलमान, पारसी, ईसाई आदि परस्पर भातृभाव की वृद्धि करें, इस देश को अपनी जन्मभूमि समझकर इसका प्रत्यक्ष जननी के समान प्यार करें और इसकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय भाव से प्रेरित होकर एक साथ मिलजुल कर प्रयत्न करें तो हम समस्त संसार से पुकार कर कह सकते हैं कि ये प्राचीन भारत एक जीवित वस्तु है, इसकी राष्ट्रीयता में संसार की कोई भी विरोधिनी शक्ति बाधा नहीं डाल सकती। सप्रे जी की गहरी राष्ट्रीय भावना को जगाने वाले उनके ऐतिहासिक और सांस्कृतिक चिंतन के ऐसे बहुत संख्य उदाहरण सप्रे जी का संपूर्ण साहित्य और उनका जीवन, उनके जीवन का अध्ययन करने पर प्राप्त होते हैं। उनके जीवन की तो प्रेरणाएं इतनी असंख्य है कि अगर हम उसके ऊपर एक अलग से चर्चा का सत्र रखें तो शायद पूरा दिन भी कम पड़ेगा। एक प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक जो सतत प्रेरणा और स्फुरण देने का ही कार्य करता हो के रूप में पंडित माधवराव सप्रे की ख्याति उस समय पूरे भारत में थी। यही कारण है कि उनके द्वारा लिखा गया एक एक शब्द आज भी हमें प्रेरणा देता है, मार्गदर्शन देता है और सलाह देता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जोशी जी। जैसा कि आपने जोशी जी के व्याख्यान में सुना कि माधवराव सप्रे जी का व्यक्तित्व कितना बड़ा था और वो संपूर्ण और सर्वांगीण व्यक्तित्व के निर्माण के प्रति पूरी तरह सजग थे और वैसा ही भारत के एक एक व्यक्ति को बनाना चाहते थे। भारत के पुनर्जागरण में जो महत्वपूर्ण योगदान माधवराव सप्रे ने दिया है निश्चित तौर पर वह अप्रतिम है। इस पुस्तक के संपादक विजय श्रीधर सप्रे जी के पूरे रचना संसार से इस पुस्तक को करते हुए भी और जो माधवराव सप्रे स्मृति समाचार संग्रहालय और शोध संस्थान है उसके संस्थापक और संयोजक के रूप में भी आपने माधवराव सप्रे जी के पूरे व्यक्तित्व और कृतित्व को बहुत गहनता से जाना पड़ता है। हम आदरणीय विजय श्रीपद जी से निवेदन करेंगे कि वे अपने संपादकीय अनुभव से हमसे साझा करें। आदरणीय विजय श्रीधर जी पत्रकारिता इतिहास के अध्येता हैं। आपका जन्म 10 अक्टूबर 1948 को बोहानी जिला नरसिंहपुर मध्य प्रदेश में हुआ। माधवराव सप्रे स्मृति समाचार पत्र संग्रहालय और शोध संस्थान भोपाल की स्थापना पत्रकारिता विषय शोध और इतिहास प्रलेखन के प्रमाणिक प्रयत्नों और सामाजिक सरोकार की पत्रकारिता के लिए आपको वर्ष 2012 में भारत सरकार ने पद्मश्री अलंकरण से सम्मानित किया। भारतीय पत्रकारिता कोष आपकी महत्वपूर्ण कृति है।
जिसमें 1780 से 1947 तक की भारत की सभी भाषाओं और तत्कालीन भारत के पूरे भूगोल का शोधपरक इतिहास विवेचित है। आपकी पुस्तक पहला संपादकीय को भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने भारतीय महेश चंद्र पुरस्कार वर्ष 2011 में सम्मानित किया। शिक्षा एवं शोध में असाधारण योगदान के लिए स्वराज संचालय संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन के महर्षि वेद व्यास राष्ट्रीय सम्मान वर्ष 2012 और 2013 के लिए से आपको सम्मानित किया गया। आपको छत्तीसगढ़ सरकार ने माधवराव सप्रे राष्ट्रीय रचनात्मक सम्मान 2015 में प्रदान किया। वीर श्रीधर माधवराव चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल में शोध निदेशक 2005 से 2010 तक रहे। विगत 35 वर्षों से पत्रकारिता जनसंचार और विज्ञान संचार की शोध पत्रिका आंचलिक पत्रकार का आप संपादन कर रहे हैं और अब मैं निवेदन करता हूँ आदरणीय विजय श्रीधर जी से आपसे संवाद किए। आज के इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और साहित्य अकादमी के अध्यक्ष डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, मेरे अग्रज मठल्ला चतुर्वेदी पत्रकार विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति और अनेक समाचार पत्रों के प्रधानमंत्री संपादक आदरणीय अच्युतानंद जी मिश्र, मेरे मित्र सहयोगी और इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि कुशाभाव ठाकरे पत्रकारिता जनसंचार विश्वविद्यालय रायपुर के कुलपति माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय के आरंभ से जब तक वो कुलपति बन के वहाँ गए रायपुर तब तक जिन्होंने उसके एक एक कतरे कतरे को जमा के उस संस्थान को रूप देने में अपनी भूमिका निभाई, ऐसे डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी जी, डॉक्टर श्री के श्रीनिवासराव जी, डॉक्टर गोयनका जी और आप सभी आदरणीय मित्रों, आज सप्रे जी का 146वां जन्मदिन है और आज की माधवराव सप्रे समाचार पत्र संग्रहालय की स्थापना 33 वर्ष पहले भोपाल में हुई है और संग्रहालय की स्थापना का एक बहुत अजब इतिहास है। एक किताब मुझे कंपाइल करना थी मध्य प्रदेश में पत्रकारिता का इतिहास, क्योंकि उस समय नए नए कोर्स विश्वविद्यालय में शुरू हुए थे पत्रकारिता को लेकर, तो सामग्री संचयन के लिए सारे मध्य प्रदेश, उस समय छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का हिस्सा था, जब घूमे तो ये देखा कि ये सामान जो है पुरानी पत्रिकाएं, पुराने अखबार, पुरानी चिट्ठी पत्री, ये बहुत जर्जर अवस्था में है और प्राय निजी संग्रहों में संग्रहित थी सामग्री। और इसी तरह का एक विचार आया और जिसमें बहुत बड़ी प्रेरणा हमको जबलपुर के पंडित रामेश्वर गुरु ने दी कि इसको एक छत के नीचे इकट्ठा कर दिया जाए और इन्हीं दुष्ट प्रकृति के लोगों को उसके संभालने की जिम्मेदारी सौंप दी जाए। और दुष्ट प्रकृति के इसीलिए जो गुरु जी, अच्छा गुरु जी बहुत अद्भुत व्यक्ति, गणित के आदर्श अध्यापक, अंग्रेजी के बहुत अच्छे पत्रकार, हिंदी के बहुत अच्छे साहित्यकार और वो ऐसे समाजसेवी भी थे कि वो जब मेयर बन गए तो साइकिल से चलते थे, उन्हें मोटर नहीं चलाया, साइकिल वाले मेयर कहलाते थे। उन्होंने कहा कि दुष्ट आदमी, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दुष्ट प्रवृत्ति की व्यक्ति के लिए कि अंग्रेजी में कहावत है कि मूर्ख वो लोग मूर्ख होते हैं जो अपनी किताब किसी को पढ़ने के लिए देते हैं और वे महामूर्ख होते हैं जो उसे पढ़ के पढ़ा देते हैं। तो कह रहे बहुत सावधानी बरतना, यद्यपि दुर्घटना के लिए सड़क के किनारे बोर्ड लगाए जाते हैं, सड़क के किनारे बोर्ड लगाए जाते हैं कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, लेकिन लाइब्रेरियों में ये खतरा हमेशा मंडराता रहता है। तो एक तो कभी कोई सामग्री कितना ही आपका सगा व्यक्ति आ जाए तो उसे इशू मत करना, दूसरा अपने यहाँ की बैठक व्यवस्था ऐसी रखना कि चारों तरफ से लोग उस शोध करता ना तो निगरानी रखें। तो मैंने उनसे कहा कि गुरु जी आपकी कठोरता कुछ बातें ऐसी कही जो मैं कहना नहीं चाहता। तो मैंने उनसे पूछा कि आपके पिताजी अध्यापक थे, आप अध्यापक, आप बहुत कठोर क्यों रहे इतने? तो बहुत गुस्से में गए अंदर और एक किताब लेके आए, पढ़ दी हमारे सामने। वो किताब थी सुभद्रा कुमारी चौहान का पहला कविता संग्रह गुकुल नाम का, जो 1930 में पटना से छपा था, प्रफुल्ल चंद्र ऊर्जा मंत्री ने छापा था। तो कोई विद्वान शोधकर्ता वहां गया, उन्होंने विचारों ने दी उसको, प्रेम से वहीं बैठ के पढ़ी
और पहली आप नए मार्ग में 16 पन्ने काट लिए। वो ये कहते थे कि ये जो अक्षर शत्रु के सुटे लोग हैं वो ये नहीं सोचते कि आपका काम तो चल गया लेकिन आपके बाद भी लोग आएंगे जिन्हें सामग्री की जरूरत पड़ेगी। तो कहने लगे लोग नाराज हो जाए, आप कभी लोकप्रिय होने का भ्रम मत पालना और उसकी कोशिश भी मत करना। आप लोकप्रिय रहो, अलोकप्रिय रहिए लेकिन सामग्री बचाइए क्योंकि ये मेरे पास है तो मेरी संपत्ति नहीं है और आपके हाथों में देनी तो ये आपकी संपत्ति नहीं है, ये अमानत है उन पीढ़ियों की जिन्हें अभी पैदा होना बाकी है। हम लोगों ने कोशिश की थी इसको इस उनके जो वचन उनको दिया था उसको निभाए। दूसरी चीज मुझे लगती है कि दिल्ली ने शायद सप्रे जी को पहली बार याद किया है, दिल्ली ने कभी सप्रे जी को याद नहीं किया। हिंदी साहित्य का इतिहास देखने वालों ने सप्रे जी की घोर उपेक्षा की। 1971 जब उनके 100 साल पूरे हुए जयंती मनाई गई तो जयंती तो मनी नहीं गई लेकिन हमारे रायपुर में डॉक्टर सुशील त्रिवेदी बहुत अच्छे मूलकाल जनसंपर्क विभाग में अधिकारी थे, IAS हो गए, रिटायर हो गए और पुनः वो अपने लेखन के काम में लगे। उन्होंने एक लेख लिखा था जिसमें उन्होंने हिंदी की दुनिया को याद कराया था कि भाई ये सप्रे जी के 100 साल पूरे हुए हैं और सप्रे जी का महत्व ये है। ऐसे ही एक डॉक्टर देवी प्रसाद वर्मा अच्युतानंद वो बहुत काम करते थे, रायपुर के एक हरी ठाकुर बहुत अच्छे पत्रकार थे, बहुत अच्छे साहित्यकार थे और छत्तीसगढ़ के जिसके अंदर धरती पुत्र वो उन्होंने सप्रे जी के लिए बहुत काम किया। और हम यदि याद करें तो डॉक्टर गायत्री कमलेश्वर, कमलेश्वर जी की पत्नी, उन्होंने पीएचडी की है सप्रे जी पर। और हमारे पंडित संतोष कुमार जो हमारे मंदिर सरकार में अपर सचिव थे रिटायर हुए फिर वो सप्रे संग्रहालय को 10 साल दिए उन्होंने जीवन के और सप्रे संग्रहालय को भी अपनी तरह से संस्था के रूप में संस्कारित करना है उसका उन्होंने उन्हें दो किताबें उन पर लिखी। प्रोफेसर मैनेजर पांडे उन्होंने शायद NVT के लिए एक किताब लिखी है वो बहुत बढ़िया किताब है वो। और डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी इनकी किताब तो दो खंडों दो अलग अलग स्वतंत्र किताबों के रूप में प्रकाशित हो चुकी है। मुझे लगता है इन सभी मित्रों को इन सभी उन साहित्यकारों को लेखकों को उन्हें प्रणाम करना चाहिए जिन्होंने सप्रे जी जैसे महानतम विभूतियां जो देश की उनमें से एक उनके उन्हें स्मरण रखा उनके मैं साहित्य अकादमी का किया हुआ हूँ। मेरा मन तो ये था कि सप्रे जयंती हमेशा भोपाल में मनती है और 19 जून हम कभी मिस नहीं करते लेकिन इस बार अकादमी तो अच्छा मुझे अंदाज ये भी था कि अकादमी में चाहे इस तरह के आयोजन होते जिनको अकादमी इतनी किताबें छापना है लेकिन सबका विमोचन करने लगे फिर किताब अपनी गुंजाइश नहीं बचेगी। तो मेरे मन में इलाज था कि यहाँ के तिवारी जी अनुपम जी आप सब लोग वहाँ आए और वहीं एक बड़ा कार्यक्रम बड़ा कार्यक्रम होता हुआ है सप्रे जयंती का। लेकिन फिर सबने ये कहा कि नहीं दिल्ली सप्रे जी को नमन करना चाहती है तो हमें न केवल उसे मौके पर हाजिर रहना चाहिए बस बल्कि इस पहल की सराहना करना चाहिए इसके प्रति आभार व्यक्त करने के लिए। मित्रों हम लोगों ने कुछ और काम भी किए हैं इसी तरह के। पंडित बनारसी दास चतुर्वेदी तो उन्हें 7 अनलिमिटेड कंपनी चलाते थे, उन्हें खुद लिखा है कि हम एक 7 अनलिमिटेड कंपनी चलाते जिसका मैं अध्यक्ष हूँ और पंडित झावर मंदिर शर्मा उसके MD हैं और उनका उनकी कोशिश थी सही लोगों का साथ करते थे। हम लोगों ने अपनी तरह से शुरू किया है और इसकी शुरुआत हमारे यहाँ पंडित अच्युतानंद मिश्र जी ने की थी। मोनोग्राफ निकाले थे कि हिंदी ना केवल हिंदी हमारे यहाँ भारतीय पत्रकारिता के वो पुरोधा संपादक जो युग निर्माता है जो इतिहास के निर्माता है जो इतिहास के पात्र नहीं है जिन्होंने इतिहास की रचना की ऐसे लोगों पर मनोग्राम निकाल दिया। शंकराचार्य जितनी करीब उसमें से मेरी 35-40 किताबों को होना थी जब हम वहां से विदा हुए तब तक 20-30 किताबें तो हो गई थी। ऐसा ही हम लोगों ने कोशिश अपने संग्रहालय में भी की है कि इन सब चीजों जो हमारे पुरखे हैं जिनकी विरासत को हम जी रहे हैं हम लोग अपने शादी ब्याह करते हुए छोटा सा व्यक्तिगत कार्यक्रम होता था छोटे बहन के दादा कौन थे मामा कौन थे बुआ कौन तो कलमकारों को भी ये पता होना चाहिए कि उनके पुरखे कौन है। आखिर कैसे हमारे यहाँ लोगों ने जैसे आचार्य पूर्ण सिंह शर्मा उन्होंने एक बहुत बढ़िया एक दो लाइन लिखी थी जिए जब तक लिखे खबरनामे जल दिए हाथ में कलम थामे। ऐसे बहुत सारे हमारे यहाँ लोग हुए हैं उनने ऐसे रुद्रदत्त शर्मा उनका अंत समय इतना इतना खराब निकला था
कि लगभग वो मरी की हालत में उनका निधन हुआ। बीमारी में इलाज के लिए जो आयुर्वेद की जो गुड़िया होती उसके लिए उनके पास पैसा नहीं था, लेकिन उनका स्वाभिमान, उनका आत्मसम्मान और उनके प्रति समाज का सम्मान, इसमें कभी कभी बहुत अद्वितीय तरह के व्यक्ति थे। हमारे पहले समाज के आचार्य माने गए हैं। हमको लगता है कि इनकी इस महीने की श्रृंखला को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने बहुत ही सराहना का काम किया है जो सपरे जी को इस तरह से याद किया और उनका तर्पण करने का, साथ करने का आपने अवसर जो हम लोगों को प्रदान किया, पूरा सपरे संग्रह परिवार आप लोगों का आभार है इसके लिए। मित्रों, केवल दो तीन कोटेशन ही यदि हम कर दें तो ये हो जाए। बहुत सारी बात मेरी समझ में है। जोशी जी ने जितना कर दिया उसके बाद बहुत ज्यादा से बात करने की जरूरत नहीं है। ये उस पीढ़ी के गुण और गुणग्राहकता की जो उदाहरण है, एक उसका प्रमाण है, साक्ष्य है। जैसे आचार्य भद्र साहब द्विवेदी, उन्होंने अपनी एक टिप्पणी में लिखा, उनकी भूमिका में उनकी संपत्ति शास्त्र में लिखा थी कि संपत्ति शास्त्र विशिष्ट पुस्तकों की जरूरत को पूरा करने, इस अभाव को दूर करने की जहां तक हम जानते हैं सबसे पहले पंडित माधवराव सप्रे बीए ने चेष्टा की। हिंदी में अर्थशास्त्र संबंधी एक पुस्तक लिखे आपको बहुत दिन हुए, परंतु पुस्तक आपके मन की ना होने के कारण उसे प्रकाशित करना आपने उचित नहीं समझा। आपकी राय है कि अर्थशास्त्र संबंधी पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जिसमें इस देश की संपत्ति अवस्था का विचार विशेष प्रकार से किया गया हो, यहाँ की स्थिति के अनुसार संपत्ति शास्त्र के सिद्धांतों का प्रयोग करके उनके फलाफल का विचार जिस पुस्तक में न किया जाएगा वह आपकी संपत्ति में यथेष्ट उपयोगी ना हो। आपका कहना बहुत ठीक है। आपको जब हमने लिखा कि संपत्ति शास्त्र पर हम एक पुस्तक लिखने का इरादा रखते हैं, तब आपने प्रसन्नता प्रकट की और अपनी हस्तलिखित पुस्तक में भेज दी। उससे हमने बहुत लाभ उठाया। 1000 हम आपके बहुत कृतज्ञ हैं। ये महाप्रसाद द्विवेदी ने लिखा 15 दिसंबर 1907। सप्रे जी ने कहीं इसका जिक्र नहीं किया है, मैंने उनकी किताब भेज दी थी। तो मतलब उस जमाने में बड़े होने पर ध्यान नहीं दिया जाता था, जो सचमुच बड़े होते थे तो बड़प्पन हुआ करता था। और सप्रे जी का बड़प्पन ये उन्होंने कभी जिक्र नहीं किया, और आचार्य जी का बड़प्पन ये उन्होंने पूरे ईमानदारी से उन्हें इसके लिए कृतज्ञता पूर्वक स्मरण किया। यह उस युग की गुणग्राहकता का एक बड़ा साक्ष्य है। माखनलाल चतुर्वेदी, सब जानते माखनलाल चतुर्वेदी तो एक साधारण अध्यापक थे। सप्रे जी ने एक निबंध के कारण उन्हें पैसे उनकी प्रतिभा को पहचाना और उनसे कहा कि आपका जन्म सरकारी मास्टरी करने के लिए नहीं हुआ है, आप देश सेवा के लिए पैदा हुए हैं। सप्रे जी नौकरी छोड़ी, प्रभा का संपादन किया। बाद में जब गंभीर गंभीर अखबार 1920 में निकला तो सप्रे जी ने तय किया इसके संपादक माखनलाल चतुर्वेदी हो गए। और आप देखिए उनकी प्रतिभा की पहचान, उस प्रतिभा, जिस प्रतिभा को उन्होंने पहचाना उसने अपने कर्म से कर्तव्य से किस तरह सिद्ध किया कि उनके गुरु की पहचान साफ रखती। आज माखनलाल चतुर्वेदी जानते हैं वो विशुद्ध रूप से पंडित माधवराव सप्रे की बहन। माखनलाल जी ने 1927 में भरतपुर में जब संपादक हिंदी संपादक सम्मेलन हुआ तो उसके सभापति थे माखनलाल जी, और उन्होंने वहां एक टिप्पणी की थी, आज के हिंदी भाषा के युग को पंडित महावीर प्रसाद जी द्विवेदी द्वारा निर्मित तथा देश को पंडित माधवराव जी सप्रे द्वारा निर्मित कहना चाहिए। यह सेवाएं सब सज्जनों की हैं, किंतु संपादकीय व्यवस्था, विचार, प्रवाह और भाषाचारी के रूप में वर्तमान युग को द्विवेदी जी और सप्रे जी का युग कहना होगा। ये उनका मूल्यांकन भी किया गया उस समय। फिर जब 1924 में 15वां अधिवेशन हुआ हिंदी साहित्य सम्मेलन का, तो जिन्हें सभापतित्व तो करना था, अध्यक्षता करना थी, वो ऐसी परिस्थिति में पड़ गए पांचवाजी तो वो नहीं जा पाए। तो जो चयन होता था पहले वकाल अधिवेशन चुनती थी सभापति को किसको सौंपा जाए, तो उसमें जो दो तीन नाम थे उनमें से दूसरा नाम सप्रे जी का भी था। लेकिन सप्रे जी ने यह संकल्प ले रखा था कि हमारा नाम हम कहीं नहीं देंगे और किसी सार्वजनिक आसन पर विराजमान नहीं होंगे। उन्होंने अपना एक कठोर प्रतिज्ञा की जो उन्होंने स्वयं अपने ऊपर एक अपना मर्यादा लगवा रखी थी। तो पुरुषोत्तम दास जी टंडन, उन्होंने उस सभा एक भाषण दिया, सप्रे जी उन थोड़े से गिने गिने मनुष्यों में हैं जिन्होंने अपना सुख त्याग कर देश हित के लिए
देखा है, गीता रहस्य तो बहुतों ने देखा है, वह कितनी ऊंची वास्तविक आया सभी पढ़े लिखे लोग जानते हैं, किंतु जो उनके जीवन रहस्य से परिचित है वे इतना और अधिक जानते हैं कि सप्रे जी का व्यक्तित्व कितने उच्च आदर्श का है। सप्रे जी का संबंध राष्ट्रीयता से प्राचीन है, वह केसरी होकर भारत में गरज चुके हैं, उनकी वाणी से कितने ही शत्रुओं के हृदय तैर चुके हैं। सप्रे जी जैसी महान आत्माओं द्वारा उसी प्रकार हिंदी केसरी फिर गढ़ेगा और राष्ट्र को आगे बढ़ावेगा। मैं समझ उसके तीन जो महापुरुष थे उनसे ये टिप्पणी को उनके उद्धार सप्रे जी के बारे में सब कुछ कह देते हैं, इससे अधिक मुझे कहने की मुझे नहीं लगता कि कोई जरूरत है। मैं सप्रे जी को प्रणाम करता हूँ और सप्रे जी के इस जयंती को इस बहुत ही असाधारण रूप से बहुत ही सम्मान पूर्वक जिस तरह से आपको उन्हें आयोजित किया है उसके लिए एक बार फिर आपको धन्यवाद देता हूँ। जैसा कि बताया कि हिंदी भाषा को हिंदी भाषा का जो कोच है वो महावीर प्रसाद द्विवेदी का और तेज सप्रे जी का मिला हुआ है। ये ओज और ये तेज मेरा स्वाभिमान के आता हूँ जिसके बारे में मुझे श्रीधर जी ने जिक्र किया। जब सप्रे जी पर राजद्रोह का मुकदमा लगा जिसके बारे में जोशी जी ने बताया तो ब्रिटिश सरकार की अंग्रेज सरकार की ओर जब इनसे कहा गया कि माफी नामा मांग लिया जाए और इनके भाई बाबूराव जी का उन्होंने आत्महत्या करने तक की धमकी देते हुए कहा कि आप माफी नामा लिखते, बड़े दबाव के बाद जो कि इनकी इच्छा में नहीं था इन्होंने बहुत देर में माफीनामा लिखा, लेकिन उसके बाद जो उनकी मना स्थिति थी और वो 13 वर्षों तक जो एकांतवास में चले गए और उन्होंने जिस तरह से एक कठोर तप की तरह साधुव्रत जैसा जीवन जिया वो माधवराव सप्रे जी के व्यक्तित्व की दृढ़ता को एक अलग आयाम देता है। ऐसे बहुत सारे जीवन रहस्य हैं जिनके बारे में विजय श्रीधर जी ने इशारा किया है। निश्चित तौर पर उस ओर आज के मुख्य अतिथि आदरणीय मिश्र जी प्रकाश डालेंगे और सप्रे जी के बारे में जैसा कि श्रीधर जी ने कहा कि दिल्ली पहली बार याद कर रही है, भारत के ऐसे बहुत सारे महापुरुषों को हम ये हमारी गलती है कि हमने उन्हें भुला रखा है। शायद यही वजह है कि तिलक को याद नहीं किया जा रहा है, लोकमान्य तिलक जैसे महान विभूति को उनके शिष्य की तरह रहे माधवराव सप्रे जी को याद करना तिलक को भी श्रद्धांजलि और उन्हें याद करना है। हम अब आज के मुख्य अतिथि आदरणीय प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी से अनुरोध करेंगे कि वे मुख्य अतिथि के रूप में अपना उद्बोधन दें। प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र प्रख्यात पत्रकार शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। शिक्षाविद के रूप में माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता और जनसंचार विश्वविद्यालय के कुलपति होने के नाते पत्रकारिता शिक्षा और शोध के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। आपने स्वतंत्र भारत में भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता शोध परियोजना के माध्यम से स्वतंत्रता परवर्ती हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता की पड़ताल के बुनियादी मार्ग का कार्य संपन्न कराया। आपने देश के महत्वपूर्ण समाचार पत्रों जनसच्चा जनसत्ता नव भारत टाइम्स अमर उजाला लोकमत समाचार के विभिन्न दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वाह किया। आपको उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यश भारती सम्मान केंद्रीय हिंदी संस्थान के गणेश शंकर विद्यार्थी पुरस्कार हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के अमिता प्रसाद वाजपेयी सम्मान उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के पत्रकार भूषण सम्मान जैसे कई महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मानों से अलंकृत किया गया है। आदरणीय प्रोफेसर अच्युतानंद मिश्र जी आज के इस आयोजन के सभापति आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी, पंडित माधवराव सप्रे को जिन्होंने बहुत नजदीक से जाना और देखा और उनके लिए समर्पित हो गए, ऐसे आदरणीय श्रीधर जी
आदरणीय डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, आदरणीय गोयलका जी, आदरणीय के श्रीनिवासराव जी और सभागार में उपस्थित मित्रों, सबसे पहले तो मैं साहित्य अकादमी को इस बात के लिए हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने पंडित माधवराव सप्रे पर रचना संचयन निकालने का एक प्रयास किया और उसके लिए बहुत दावे के साथ कह सकता हूं कि श्रीधर जी से उपयुक्त कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। पंडित माधवराव सप्रे और उस दौर के तमाम महापुरुष ये लोग कौन थे, इनका दौर कौन सा था, इनका युग कौन सा था, हम जानते हैं कि ये वो दौर था जब हिंदी भाषा का विकास हो रहा था। हिंदी भाषा का सही अर्थ, सही ढंग से खड़ी बोली का विकास, उसके व्याकरण का विकास, उसमें विभिन्न विषयों का समावेश, ये बातें भविष्य के समय से शुरू हुआ था और 19वीं सदी के या 20वीं सदी की शुरुआत से उस दौर के जितने बड़े साहित्यकार थे, जितने बड़े पत्रकार थे, सभी साहित्यकार पत्रकार भी थे और सभी पत्रकार साहित्यकार भी थे और कुल मिलाकर वो सब स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। तो भारतीय दूरदर्शन के जमाने से अगर हम लोग देखें, 1867 में जब भारतेंदु की उम्र 1917 साल की थी, उन्होंने कवि वचन सुधा निकाला और वहां से उन्होंने भाषा को ठीक करने का काम किया और 1900 आते आते सप्रे जी ने छत्तीसगढ़ मित्र निकाला, दो पत्रिकाएं साथ साथ निकली, छत्तीसगढ़ मित्र जनवरी 1900 में शुरू हुआ और ठीक जनवरी 1900 में सरस्वती शुरू, दोनों पत्रिकाएं साथ साथ शुरू हुई। सरस्वती के साथ एक बड़ा संस्थान था काशी नगरी, 50वीं सभा जैसी सभा थी, उसका संबल था लेकिन छत्तीसगढ़ समाचार तो केवल सप्रे जी के अपने ही प्रयासों से निकला था। और जब 1903 में पंडित माधवी प्रसाद द्विवेदी सरस्वती के संपादक बन के आए, तब तक छत्तीसगढ़ समाचार बंद हो गया लेकिन दोनों संपादकों के बीच की मित्रता ऐसी थी जिसका उदाहरण अभी श्रीधर जी ने दिया
कि पंडित महावीर साहब द्विवेदी की जो पुस्तक संबद्ध शास्त्र पर लिखी गई थी उसमें उस सप्रे जी की किताब का उल्लेख करते हैं और ये लिखते हैं कि उसमें से मदद मिली थी और सप्रे जी के लेख निरंतर सरस्वती में छपते रहे। तो ये कुल मिलाकर ये जो दौर था वो साहित्य का दौर था, पत्रकारिता का दौर था, राष्ट्रीयता का दौर था, राष्ट्रीय आजादी की लड़ाई का दौर था और अलग अलग ढंग से ये सारे महापुरुष उस दौर में लगे हुए थे और इसलिए इस देश के पत्रकारिता के इतिहास का वो स्वर्णिम पृष्ठ था जिसमें किसी तरह का समझौता नहीं था, एक बहुत ही श्रेष्ठ किस्म की नैतिकता थी। सप्रे जी के जीवन में जिस नैतिकता का उल्लेख अभी अनुपम जी ने किया कि किन्हीं परिस्थितियों में उनको माफीनामा देकर आना पड़ा और वो घटना उनको उनके जीवन पर लगातार असर बनाए रखी। उन्होंने कोई सार्वजनिक पद स्वीकार नहीं किया अनेक वर्षों तक वो भिक्षा मांग के खाते रहे। हम कल्पना कर सकते हैं कि वो नैतिकता का कितना बड़ा स्तर रहा होगा। वो उस पूरे दौर के सारे लोगों के अंदर नैतिकता थी, छोटे से बड़े लोगों के अंदर। जो भारतीय वर्षन से लेकर और गणेश शंकर विद्यार्थी तक कुछ छोटी आयु के लोग थे, इनको ईश्वर ने कम समय दिया था। सप्रे जी भी उन्हीं में से थे। और कुछ बड़े लोग भी थे जिनमें पंडित माखनलाल चतुर्वेदी भी थे, जिनमें बालकृष्ण भट्ट थे, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय थे, जिसमें अंबिका प्रसाद वाजपेयी थे। लेकिन कुल मिलाकर के पूरा दौर ये पत्रकारों का दौर नहीं था, साहित्यकारों का दौर नहीं था, देशभक्तों का दौर था। और इसलिए उस पूरे बड़े पैमाने में कुछ लोग छूट गए और उन लोगों में से जो छूट गए, जो जिनकी आयु कम थी, पूरी सेवा नहीं कर पाए, उन्हीं लोगों में माधवराव सप्रे थे। और पूरा उनका जीवन इतिहास पढ़े आप, बाप के उनके सारे शिष्यों ने जिनका नाम जोशी जी ने लिया, जैसे गोविंदास जी थे और पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र थे, पंडित माखनलाल चतुर्वेदी थे, ये सब सप्रे जी के बनाए हुए, तैयार किए हुए, गढ़े हुए लोग थे। पंडित सुंदरलाल ने एक जगह लिखा है कि छत्तीसगढ़ में तो पढ़ करके उनको देशभक्ति की प्रेरणा मिली थी और बाद में वो चूंकि गांधी जी के सप्रे जी चूंकि शुरू के दौर में तिलक जी के साथ थे, यानी कांग्रेस के इतिहास में जो तिलक जी का दौर था, एक तेजस्वी राजनीति का दौर था, उस समय
हम जानते हैं कि 1905 में बंग का आंदोलन हुआ था, पूरे देश में एक राष्ट्रीयता की लहर चल रही थी, उस लहर से प्रभावित होती लगती है सप्रे की। और पंडित सुंदरलाल गांधी जी के दौर से प्रभावित थे। तो पंडित सुंदरलाल ने लिखा है कि सप्रे जी का छत्तीसगढ़ में त्रिपण करके मुझे बार बार प्रेरणा मिलती थी, लेकिन उनको इस बात की चिंता थी कि सप्रे जी गांधी जी के साथ क्यों नहीं है, उनका उनकी अपनी राय थी। तो उस दौर के जितने बड़े महापुरुष थे सब ने उस राष्ट्रीयता का, उस देशभक्ति का, उस दौर के पूरे साहित्य का, संस्कृति का, सबका संवर्धन किया था। और उसमें से एक अंचल में पड़े होने के कारण माधवराव सप्रे जी थोड़े उपेक्षित हो गए थे, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए मुझे तो इस बात की बहुत अधिक प्रसन्नता है कि सप्रे जी के नाम का जो किया श्रीधर जी ने भोपाल से शुरू किया चलाया है, वो साहित्य अकादमी के माध्यम से, रचना संचयन के माध्यम से फिर से प्रकाश में आया है और धीरे धीरे जोशी जी अभी बता रहे थे कि लोकमान्य तिलक के गीता भाष्य का अनुवाद सप्रे जी ने किया था, अभी तक उसके 17 एडिशन हो चुके हैं। मैं पिछला एडिशन मैंने भोपाल में देखा था, आप अभी बता रहे हैं कि अभी आपने देखा था। सप्रे जी उन विशिष्ट लोगों में से भी हैं जिनकी मातृभाषा हिंदी नहीं थी। पूना में जब सप्रे जी गए थे, पूना के मराठी पत्रकारों ने उनसे पूछा था कि आप तो मराठी भाषी हैं, मराठी बोल लेते हैं, तिलक जी की मराठी पत्रकारिता से प्रभावित हैं, तो आप हिंदी में पत्रकारिता क्यों करते हैं, मराठी में क्यों नहीं करते? बहुत सुंदर जवाब दिया था तिलक सप्रे जी ने। उन्होंने कहा कि मराठी मेरी मातृभाषा है, लेकिन मैं अपने मौसी के घर पला हुआ हूं, हिंदी मेरी मौसी है। तो मां की सेवा करने वाले लोग तो बहुत हैं, मैं अपनी मौसी की सेवा करूं। तो तिलक जी उस परंपरा से भी जुड़ते हैं जिसमें गणेश सखाराम देवस्कर, बाबूराव विष्णु पराड़कर, लक्ष्मण नारायण गर्दे, गैर हिंदी शैलियों की जो साहित्यकारों की जो बड़ी परंपरा है जिन्होंने हिंदी को सशक्त किया, खड़ा किया, उस दौर से भी सप्रे जी जुड़ते हैं। कुल मिलाकर साहित्यकार ने बहुत सराहनीय प्रयास किया है। मैं उसके अध्यक्ष तिवारी जी को और पूरी अकादमी को इस बात के लिए बधाई देता हूं कि आगे से अज्ञात ऐसे तमाम उस दौर के साहित्यकार हैं जिन्होंने थोड़ी रचनाएं की होंगी, छोटी छोटी रचनाएं की होंगी, उनका भी समय पर उनका भी संचयन निकालने की कोशिश की जाए ताकि सारे महापुरुष भी प्रकाश में आ सके। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मिश्र जी। मिश्र जी ने जिस और जिक्र किया था कि मराठी भाषी होकर के उन्होंने हिंदी की सेवा की, तो भारत मित्र में 11 जून 1990 के अंत में एक सम्मति लिखी गई थी, मैं उसका पाठ कर दे रहा हूँ। इस पत्र के संपादक एक महाराष्ट्री हैं तथापि हिंदी बहुत शुद्ध लिखते हैं, लेख भी बहुत अच्छे होते हैं। ये
अपने में ही एक ऐसी टिप्पणी है जिसमें उनके अनुवादों के प्रति, उनके अपने मौलिक भाषा ज्ञान के प्रति और बहुत सारे जो लेख हैं, जैसा कि विजय श्रीधर जी ने बताया भी था, जोशी जी ने भी, कि उन्होंने हिंदी भाषा को शुद्ध बनाने के लिए कई लेख लिखे थे। तो ऐसे महत्वपूर्ण देशप्रेमी राष्ट्रभक्त माधवराव सप्रे जी को हम नमन करते हैं और आज के इस सत्र के अध्यक्ष आदरणीय विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी से मैं निवेदन करूंगा कि वे अध्यक्षीय वक्तव्य दें। प्रोफेसर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी हिंदी के प्रतिष्ठित कवि और आगे चलते हैं। आज की सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, श्री सच्चिदानंद जोशी जी, श्री विजयदत्त श्रीधर जी, श्री आलोक मेहता जी, राम बहादुर राय जी, कमल किशोर गोयनका जी तथा सचिव के श्रीनिवासराव तथा सभी आदरणीय सचिव, इस अवसर पर लगभग सब आदरणीय लोगों ने साहित्य अकादमी की प्रशंसा की इस आयोजन के लिए, इसके लिए मैं आभारी हूँ। असल में साहित्य अकादमी का काम ही यह है कि वह सभी आदरणीय लेखकों का आदर करे और इसके लिए मुझे दिनकर जी की एक कविता याद आ रही है। उस कविता मैं कलम की जगह साहित्य अकादमी का नाम रख दीजिएगा। वो कविता है कलम आज उनकी जय हो, जला अस्थियां बारी बारी सुलगाई जिनने चिनगारी, जो चढ़ गए मातृवेदी पर लिए बिना गर्दन की मोल, कलम आज उनकी जय हो। वो कलम की जगह साहित्य अकादमी, साहित्य अकादमी हमेशा ऐसे साहित्यकारों की जय का। और मैं उल्लेख नहीं करना चाहता, और कुछ समय समय पर ऐसा लग जाता है जो कार्ड साहब के सामने जाते होंगे, कि हम लोग सभी बड़े लेखकों की जयंतियां मनाते हैं, शताब्दियां मनाते हैं। और अभी कल मैं दीनू भाई पंत की जन्म शताब्दी में जम्मू में था, लोग बहुत तारीफ कर रहे थे कि साहित्य अकादमी हमारे लेखकों की जयंती मनाती है। डोगरी के लेखक हैं, सभी भाषाओं को, साहित्य अकादमी 24 भाषाओं में काम करती है, 24 भाषाओं के महान लेखकों की, पत्रकारों की जयंती मनाती है। अच्युतानंद जी ने इशारा किया कि वो युग ऐसा था, ये जो इनका युग है वो लगभग भारतीय युग की समाप्ति और द्विवेदी युग और प्रेमचंद का युग है, जो सप्रे जी का युग है। और उस युग में सचमुच लेखक पत्रकार में कोई अंतर नहीं था और साहित्य और अन्य अनुशासनों में कोई अंतर नहीं था। साहित्यकार अर्थशास्त्र पढ़ लिखता था, समाजशास्त्र पढ़ लिखता था, चित्रकला पढ़ लिखता था। सरस्वती पत्रिका के अंकार देखें तो उस तरह के हैं। और उस समय सोचिए कि अखबारों से जमानतें मांगी जाती थी, अखबार के जो संपादक थे उनको जेलों में डाल दिया जाता था, लेकिन फिर भी उनका 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 जो देश उनकी जो देशभक्ति की भावना है वो कम नहीं होती थी, वो लड़ते रहते थे। बालकृष्ण भट्ट का हिंदी प्रदीप 32 वर्षों तक निकलता रहा, आज के अखबार को देखिए 6 वर्ष बीच में बंद रहा। उस समय कोई पत्रिका 32 वर्षों तक चले, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। और प्रेमचंद को हम एक लेखक के रूप में जानते हैं, गोयनका जी बैठे हुए हैं। प्रेमचंद ने 4 पत्रों का संपादन किया था, मर्यादा, माधुरी, जागरण और हंस। और हंस का जो प्रथम संपादकीय है उसे कोई देखे, लिखते हैं प्रेमचंद कि मैंने कहीं पढ़ा है कि जब भगवान राम सेतु बांध रहे थे लंका के लिए, तो उस समय गिलहरियां भी अपने उससे मिट्टी ले जा रही थी अपनी चोंच से,
हंस महान स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा हुआ है, हंस भी अपनी चोंच से चुटकी भर मिट्टी लेकर के इसमें अपनी भूमिका अदा कर रहा है। यानी हंस साहित्यिक पत्र है, लेकिन जो संपादकीय लिख रहा है लेखक, वो कह रहा है कि ये आजादी की लड़ाई में अपनी भूमिका निभाने के लिए हंस आगे आ रहा है। तो ऐसे लेखक हुआ करते थे। और प्रेमचंद से लगभग 10 वर्ष पहले पैदा हुए थे सप्रे जी, और 10 वर्ष पहले ही उनका निधन भी हुआ, एक दशक पहले। तो वो वही समय है, और उस समय में जैसा कि अच्युतानंद जी ने कहा कि उस समय कोई लेखक अपनी मातृभाषा की चिंता नहीं कर रहा था, सबको चिंता थी हिंदी की, राष्ट्रभाषा की। जितने उस समय के बड़े बड़े नेता हुए दक्षिण भारत से लेकर पूर्वी भारत तक, सारे लेखक पत्रकार सब बड़े बड़े लोग सब हिंदी का समर्थन कर रहे थे। यहां तक कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी भी हिंदी के महान समर्थक थे, और सुभाष चंद्र बोस और कैसे कैसे लोग थे ये, जितने महात्मा गांधी खुद, सभी अहिंदी भाषी लोग थे और सब हिंदी का समर्थन कर रहे थे। और उस समय सप्रे जी ने जो अपनी जो टिप्पणियां लिखी हैं, जो शिक्षा के बारे में, स्वदेशी के बारे में, भाषा के बारे में और साहित्य के बारे में, वो सारी टिप्पणियां देशभक्तिपूर्ण टिप्पणियां हैं। इस अवसर पर मुझे सबसे बड़ी प्रसन्नता हुई तो यह है कि मुझे दत्त श्रीधर जी ने बड़ी मेहनत से उनका रचना संचयन तैयार किया है, जिसे साहित्य अकादमी ने प्रकाशित किया है। हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता है कि आज इस पुस्तक का यहाँ लोकार्पण हो रहा है। उन्होंने लोकार्पण के लिए प्रस्ताव गोपाल का ही किया था, और मेरे पास श्रीधर जी का पत्र भी आया था कि आप गोपाल आइए, और हम लोगों ने यह सुझाव, हम लोगों ने यह निर्णय लिया कि नहीं, उन्हीं को यहां बुलाइए, हम लोग साहित्य अकादमी में इस पुस्तक का लोकार्पण करेंगे। नहीं तो पहले इनका प्रस्ताव, लिखित प्रस्ताव मेरे पास आया था। तो मैं इस समय और कुछ ज्यादा नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि हम लोगों की हमेशा चेष्टा है कि साहित्य अकादमी जो भी हमारे आदरणीय लेखक हैं उनका सम्मान करें, आदर करें, और अपने मन से आप सब लोग इस अवसर पर उपस्थित हो, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय तिवारी जी। मित्रों, जो एक दौर था माधवराव सप्रे जी का, जिसके बारे में सभी विद्वानों ने चर्चा की, जिसके बारे में हम ये जानते हैं कि वो एक आजादी की लड़ाई का दौर था, स्थितियां विपरीत थी, और ऐसे में देश के तमाम महापुरुषों, साहित्यकारों, पत्रकारों ने अपनी भूमिका अदा की थी। आज भी स्थितियां बहुत बदली नहीं है, हम मानसिकता जो हमारी आज की है, जो वैश्वीकरण और मंडलीकरण के दौर में हम जिस ओर लगातार अपनी सभ्यता संस्कृति इतिहास से विमुख होकर के बढ़ते चले जा रहे हैं, और एक खास तरह का आमादापन हमारे भीतर जो बढ़ता जा रहा है, निश्चित तौर पर बहुत चिंतनीय विषय है। और ऐसे में हमारे ये महान विद्वान माधवराव सप्रे जैसे लोग और भी प्रासंगिक हो जाते हैं, उनकी रचनाएं बहुत प्रासंगिक हो जाती हैं। ये पुस्तक जिसमें माधवराव सप्रे जी की अनेक दुर्लभ अनुपलब्ध रचनाओं को विजय श्रीधर जी ने संपादित करके इस पुस्तक का संपादन किया है, ये आप लोगों के लिए निश्चित तौर पर बहुत कारगर साबित होगी। हम अकादमी की ओर से आज के इस कार्यक्रम के सभी अतिथियों, आदरणीय अच्युतानंद मिश्र जी, सच्चिदानंद जोशी जी, विजय श्रीधर जी और डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद तिवारी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। आपने अपने व्यस्ततम समय से हमें अपना भी समय दिया। हम बहुत ही आभारी हैं डॉक्टर कमल किशोर गोयंका जी, अरुण भगत जी, राम बहादुर राय जी, विमल कुमार जी, कुमुद शर्मा जी, बलराम जी, महेश भारद्वाज, आदरणीय आलोक मेहता जी, और इस सभागार में उपस्थित सभी विद्वानों
और साहित्य प्रेमियों का, आप लोगों की वजह से ये कार्यक्रम इतना सफल हुआ। आप सभी इस पुस्तक को एक बार पलट कर अवश्य देखिएगा, निश्चित तौर पर आपको संतोष होगा कि इसमें बहुत ही अच्छी रचनाओं का विजय श्रीधर जी ने चयन किया है। हम अकादमी की ओर से पुनः विजय श्रीधर जी के आभारी हैं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मित्रों, एक सूचना मैं देना चाहता हूँ, कल 20 जून को हम एक परिसंवाद आयोजित कर रहे हैं भारतीय साहित्य में योग, और ये साहित्य अकादमी के इसी सभागार में होगा। सुबह 10 बजे से, 10:30 बजे से हम ये कार्यक्रम शुरू करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस कार्यक्रम में भी सहभागिता करें। पूरे भारतीय साहित्य में योग को लेकर के क्या चिंतन हुआ है, उस पर हमने ये विशेष परिसंवाद रखा है। आप सभी से निवेदन है कि कृपया इस कार्यक्रम में भी जरूर बधाएं। आप सभी अब चाय वाला मुख्य, धन्यवाद।